दोस्तों आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। ये कटहल हमने लिया है 1 किलो, तो इसको हम पहले काट लेते हैं। और मैंने कटहल के थोड़े बीज भी ले लिए हैं, कटहल के बीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं अलग से भी ले आया हूँ। तो कटहल का देखिए ऊपरी सिरा हम निकाल देंगे इस तरीके से, चाकू में और हाथों में तेल लगा लीजिए तो ये चिपकेगा नहीं, और या नींबू का रस लगा लीजिए तो भी नहीं चिपकता है, नहीं तो इसको छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हाथ में इसका जो चिपचिपापन है वो लग जाता है। तो इस तरीके से हम इसके पीसेस कर लेंगे। ये थोड़ा सा ही काट के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मैं एकदम सारा सिंपल रेसिपी बताता हूँ। तो इस तरीके से हम सारे पीसेस काट लेंगे। तो देखिए मैंने काट लिए हैं एकदम फ्रेश करके। अब चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। तो यहाँ मैंने लिए कढ़ाई, कढ़ाई में हम डाल रहे हैं सरसों का तेल और तेल को गर्म होने देते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे जीरा, और जीरे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे सूखा खड़ा धनिया, धनिया चटक जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पेस्ट हमने पहले ही बना के तैयार कर लिया था, इसको हमें पहले अच्छे से भूनना है। तो पेस्ट हमारा जब भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। मैंने ये 2 प्याज पीसे हुए हैं। सब्जी आपकी बहुत ही बढ़िया बनेगी, आप तरीका याद रखिएगा। इसको भी अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज भूनने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी डालने से क्या होता है, जो तेल ऊपर उड़ रहा था वो उड़ेगा नहीं। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, और साथ में ऐड करेंगे इसमें हम धनिया पाउडर। इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ मैंने 2 टमाटर पीसे हुए हैं। हल्का सा इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ मैं। टमाटर का पेस्ट जिसमें पीसा था हमने उसी बर्तन में पानी डाल के इसमें डाल दिया है हमने। अब यहाँ पे हम कटहल इसमें डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो इसे ढक के पकाएंगे करीब 1 से 2 मिनट तक। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और कटहल भी अच्छे से इसमें हमने भून लिया है मसाले के साथ। क्योंकि हम ग्रेवीदार सब्जी बना रहे हैं तो इसमें हम पानी डालेंगे। और स्लो आंच पे कम से कम 3 मिनट तक पकाएंगे इसे। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। और यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ गरम मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 3 मिनट तक पकाएंगे स्लो आंच पे। तो इसे ढक के पकाएंगे हम, ढक देते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार है। पूरे के पूरे 3 मिनट हमने इसे पकाया। इसमें डाल देते हैं हरा धनिया ऊपर से, और सब्जी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है दोस्तों कटहल की, इस तरीके से आप बनाएंगे तो।
तो गैस हमने कर दी है बंद।